दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भी जब हम हमारी कंपनी में हमारी बिजनेस की कोई परचेज रिटर्न या फिर सेल रिटर्न की जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को हम हमारे सॉफ्टवेयर में तो बहुत ही इजी तरीके से मेंटेन कर लेते हैं और उसका इफेक्ट हमारे नेट परचेज पे और नेट सेल पर भी हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर इस टाइप की जो हम एंट्री करते हैं हमारी टैली सॉफ्टवेयर में, चाहे कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, तो ये जब हमारा डाटा ऑडिट पर्पज से सीए के ऑफिस में जाता है, तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने परचेज करी है और परचेज रिटर्न करी है, या फिर जो सेल करी है और उसके साथ में जो सेल रिटर्न करी है, इस प्रकार के डाटा को यानी कि इस प्रकार के ट्रेडिंग अकाउंट को सीए के ऑफिस में एक्सेल चार्ट में किस तरीके से फाइनली टच दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में जब हमारी कंपनी का डाटा जो ऑडिट पर्पज से जाता है, तो वहां पर इसको किस तरीके से अलग अलग रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो आज की ये जो वीडियो दोस्तों एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। तो आप देख रहे हो दोस्तों, हमने कुछ परचेज हमने यहाँ पर करी हुई है, हमारी लोकल की भी परचेज है और आउट ऑफ स्टेट से भी परचेज है, और हमने दोनों को ही रिटर्न भी किया हुआ है। यानी कि कुछ प्रोडक्ट हमने हमारे लोकल में रिटर्न कर दिया और कुछ को हमने आउट ऑफ स्टेट जहाँ से हमने परचेज किया था उसको रिटर्न कर दिया, यानी कि एक परचेज और परचेज रिटर्न। तो इसी तरीके से हमारे पास सेल भी है और सेल रिटर्न भी है। तो इसको हम देखेंगे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में इसको एक्सेल में जब फाइनल रूप इसको दिया जाता है, तो किस तरीके से इसका मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट है एमएस एक्सेल में तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास जो टैली में जो डाटा है उसी डाटा को हम यहाँ पर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है, ओपनिंग स्टॉक है, हमारी परचेज, अगर आपके पास परचेज अलग अलग टाइप की है, लोकल की भी है, आईजीएसटी की है, तो आपको अलग अलग लेजर यानी कि यहाँ पर अलग अलग उस डाटा को मेंशन करना पड़ता है एक्सेल में, ताकि हमारी जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली सही तरीके से मेंटेन हो। और हमारा जो अगर हम रिपोर्ट देखना चाहें GSTR 1 के साथ, GSTR 2 के साथ, तो वो भी हमें इजीली मैच हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो लोकल की जो परचेज है वो है हमारी, आप देख रहे हो इसके अंदर ये हमारी कंप्यूटर पार्ट GST 18% लोकल का, यानी कि 28,712 रुपये की हमारी परचेज है। तो 28,712 रुपये को हम परचेज लोकल में लिखते हैं, और उसके बाद में उसके आउट ऑफ स्टेट की जो हमारी सेल है वो है 71,600 रुपये। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल नेट जो परचेज होगी हमारी वो 1,312 रुपये की, और उसके बाद रिटर्न आती है भारी हमारी, हमने 18% के लोकल की और आउट ऑफ स्टेट की दोनों की रिटर्न करी हुई है। तो हमारे पास जो पहला कॉलम है परचेज रिटर्न लोकल का, तो लोकल की जो हमारी परचेज रिटर्न हुई है वो 705 रुपये की हुई है। तो उसके बाद में हमारे आउट ऑफ स्टेट से जो हमने रिटर्न किया है वो किया 846 रुपये का। तो इस तरीके से आप देख रहे हो हमारे पास जो नेट परचेज है, आप देख रहे हो 98,761 रुपये की आ गई, और हमारे पास यहाँ पर भी 98,761 रुपये है। तो दोस्तों, आपके परचेज का जो नेट इफेक्ट है वो इसी तरीके से आएगा, 98,761 रुपये आपकी जो परचेज मानी जाएगी, लेकिन हमें ट्रेडिंग अकाउंट में अलग अलग ये सारा डाटा मेंशन करना होता है भी हमारी एक्चुअल में परचेज कितनी थी और उसके बाद में रिटर्न कितनी थी। तो अगर हम इसको नेट लिख देंगे 98,761, तो ये प्रॉपर हमें ये नहीं पता लग पाएगा इस ट्रेडिंग अकाउंट को देख के भी हमारी रियलिटी में परचेज कितनी थी और उसके बाद में हमने इसको रिटर्न कितना कर दिया। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से डाटा का अगर हम देखना चाहें, तो हमें यहाँ से स्पष्ट रूप से पता लग रहा है भी हमारा जो एक्चुअल में जो परचेज थी वो 1,312 रुपये की थी, और इसमें हमने इतना जो हमारा सेल परचेज है वो रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से जो नेट इफेक्ट आएगा परचेज माइनस परचेज रिटर्न को, तो 98,761 रुपये का। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेल रिटर्न की, तो जो सेल है हमारी एक्चुअल में जो सेल हमारी लोकल की वो 19,314 रुपये की है। तो 19,314 रुपये हम सेल में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और जो हमारी आउट ऑफ स्टेट की जो सेल है वो 28,032 रुपये की है, तो 28,032 रुपये को करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो हमारी जो टोटल सेल हो चुकी है वो 47,346 रुपये की होगी है। अब अगर कोई हमने रिटर्न करी है तो उसको भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो हमारी जो
जीएसटी हमारी जो लोकल की जो रिटर्न हमने करी है वो है 436 रुपए की और आउट ऑफ स्टेट है 930 रुपए की। तो 436 रुपए की और 930 रुपए की। तो इस तरीके से अगर हम टोटल नेट इफेक्ट देखें हमारे सेल का तो 45,980 रुपए की हमारी सेल नेट रह गई है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास 45,980 रुपए की है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमारी एक्चुअल में जो सेल हुई थी वो 47,346 रुपए की हुई थी और उसमें ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये हमारा सेल रिटर्न है, यानी कि ये गुड्स हमारे पास वापस आ चुका है। तो इसका मतलब जो सेल और जो सेल रिटर्न को प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा सेल का 45,980 रुपए का। तो दोस्तों अब हम बात करें भी ये जो रिकॉर्ड, ये तो रिकॉर्ड हमें यहाँ पर टेली पे भी हमें दिखाई दे रहा है, तो एक्सेल में बनाने का फायदा क्या हुआ? तो दोस्तों एक्सेल में बनाने का फायदा ये रहता है भी हमारा जो एक्चुअल जो रिकॉर्ड है वो सब कुछ आपको इस एक्सेल के जो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार होता है उसमें रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक को हम मेथड चेंज करेंगे और आप देख रहे हो भी 59,878 रुपये का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। तो 59,878। तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 7,097 रुपये का आ गया और यहाँ पर भी हमारे पास 7,097 रुपये का ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। तो दोस्तों अब ये तो थी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की बात, अब हम बात करते हैं भी अलग अलग मेंटेन करने से हमारा जीएसटी आर वन और जीएसटी आर टू पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए हम जीएसटी रिटर्न पर जाएंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट पर हम जाएंगे। सबसे पहले हम जीएसटी आर वन को ओपन करेंगे, पूरा पीरियड हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर भी हमारी जो नेट परचेज आ रही है वो भी 45,980 रुपए की ही आ रही है और ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट में भी ये हमने नोट किया है 45,980 रुपए का। तो दोस्तों जैसा कि हमें इस मतलब परचेज के सेल के रिकॉर्ड में भी हमें जीएसटी आर1 के जो हमारी रिटर्न है उसमें भी हमें सारा रिकॉर्ड पता लग रहा है भी हमारी जो एक्चुअल में जो सेल थी वो ये थी भी, ये हमारा बिजनेस टू बिजनेस का रिकॉर्ड है और ये हमारा बिजनेस टू कस्टमर का रिकॉर्ड है। तो ये दोनों सेल हमारी होगी और ये हमारी दोनों रिटर्न होगी। ये इसका हमने क्रेडिट नोट है जो इशू किया हुआ है, तो अब इसमें क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड है, हमने एक रजिस्टर्ड पार्टी को किया है और एक क्रेडिट नोट हमने अनरजिस्टर्ड पार्टी को किया, तो ये भी रिकॉर्ड आपका यहाँ पर मेंटेन होगा। तो अब इससे होगा क्या भी आपकी जो प्रॉपर जो सेल का जो रिकॉर्ड है वो आपके इस रिकॉर्ड के साथ है जो मैच होता रहेगा भी आपकी जो टोटल सेल है और टोटल सेल में से आपकी रिटर्न कितनी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो अगर क्रेडिट नोट की बात करें तो 436 रुपये का एक क्रेडिट नोट इशू किया हुआ है और एक 930 रुपये का अलग से किया हुआ है। तो वो भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो 436 रुपये का अलग से लोकल का है और 930 रुपये एक हमने आईजीएसटी का, चाहे वो रजिस्टर्ड का है चाहे अनरजिस्टर्ड का, यहाँ पर हमें टोटल रिटर्न ही दिखानी होगी लेकिन ये हमारा जीएसटी आर वन के रिकॉर्ड के साथ है जो प्रॉपर मैच हो जाएगा। और अगर हम टोटल सेल की बात करें तो 47,346 रुपये की जो हमारी नेट सेल थी, ग्रोस सेल थी, तो वो उसका रिकॉर्ड भी आप देख रहे हो यहाँ पर हमें, अगर इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे बी टू बी का और बी टू सी का तो ये हमारा टोटल हमारे जो ग्रोस सेल है उसके साथ मैच हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे डाटा को जीएसटी के रिकॉर्ड के साथ रिकनसाइल करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। इसी तरीके से हम जीएसटी आर टू का रिकॉर्ड अगर हम देखें, पूरा डाटा हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज हमारी 98,761 रुपये की है, ये जो हमारी नेट परचेज है तो यहाँ पर भी आपको 98,761 रुपये की नेट परचेज शो करेगी जबकि हमारी एक्चुअल में जो परचेज थी वो 1,312 रुपये की है, तो वो आपको रिकॉर्ड यहाँ पर भी शो करेगा कि आपने एक्चुअल में परचेज है जो 1,312 रुपये की है और इसमें आपका 1,551 रुपये का प्रोडक्ट आपने रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से नेट इफेक्ट आपका ये आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम ये नेट परचेज अगर यहाँ पर ये दिखा देंगे 98,761 का तो ये हमारा जीएसटी आर टू के साथ जो हमारा डाटा है उसको रिकनसाइल करने में थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है विशेषकर एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए। तो दोस्तों जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करें हमारी बुक्स का तो हमें अलग अलग ये रिकॉर्ड मेंशन कर लेना चाहिए हमारे अकाउंटिंग को और ज़्यादा ईजी करने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और नए चैप्टर के साथ।